विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कंटिन्यू प्रोग्राम तो 5 मार्च तक जारी किया था, सत्र की अवधि काफी छोटी कर दी, सरकार डर रही है। कि ये तो विपक्ष भी जानता है और मीडिया के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से पूरा हरियाणा भी जानता है कि हमारी जो सरकार चल रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, इस 4.5 साल के कार्यकाल में डरा कौन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा की जनता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है और विपक्ष के पास कभी कोई मुद्दे होते नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन होकर के कई बार सदन की कार्रवाई को भटकाने का प्रयास भी करता है और हरियाणा के जनता के जो हितों के सवाल जो सदन के अंदर उठने चाहिए वो जब सदन की कार्रवाई को भटकाते हैं, अटकाते हैं, लटकाते हैं, तो वो काम जनता के रुकते हैं, इस बात का प्रयास उनका हमेशा से रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और यहाँ पर हाउस में कौरपाल जी हमारे स्पीकर हैं माननीय विधानसभा के, उन्होंने सब लोगों को अच्छा समय देकर के कैसे सब लोग अपनी भागीदारी हरियाणा के विकास के लिए कोई मुद्दे उठा करके कर सके, इस बात के लिए करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन विपक्ष जिसके पास कोई मुद्दा नहीं होता हमेशा से वो बेसिर पैर की बातें करने का प्रयास ही करता रहा है। इसके संकेत क्या है सर, सरकार थोड़ी जल्दबाजी में लग रही है, चुनाव साफ कराने का मूड तो नहीं है? देखिए, चुनाव के बारे में पहले भी बिल्कुल स्पष्ट किया जा चुका है कि विधानसभा का चुनाव अपने समय पर होगा और लोकसभा चुनाव की घोषणा तो ये सर्वविदित है कि मार्च के पहले दूसरे सप्ताह में कभी भी हो सकती है, लेकिन विधानसभा का चुनाव अभी कराने की कोई इस प्रकार की संभावना दूर दूर तक नजर आती नहीं है। विधानसभा का चुनाव अपने समय पर होने वाला है।